फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एजे टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से जो अभी आपने देखा ये VFX किस तरीके से बना सकते हैं और फ्रेंड्स इसका उपयोग कहां कहां कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो इसका उपयोग आप यानी आप यूट्यूब स्टूडियो अगर आपका खुद का है और आप अपने चेहरे के पीछे या फिर अपने खुद के पीछे अपना लैपटॉप या कंप्यूटर रखा हुआ है और वो बंद है तो आप इस तरीके से उसको अच्छा नहीं लगता है और वो उस तरीके वहाँ पर आप VFX ये इसका यूज कर सकते हो और उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो आप। और दूसरा उपयोग, अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्ड मतलब मोबाइल का या फिर किसी और का स्क्रीन रिकॉर्डर लगा कर उसको स्क्रीन रिकॉर्ड किया है और आप उसको किसी ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट के द्वारा किसी लैपटॉप में पुट करना चाहते हैं तो इस VFX के द्वारा ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत नहीं और आप उसको पुट कर सकते हैं और वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा, जैसे कि उसी से बन रहा है ये और उसी का रिकॉर्ड है ऐसे लगता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो, किस तरीके से आप ये VFX बना सकते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना हिटफिल्म एक्सप्रेस ओपन कर लेता हूँ और इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। स्टार्ट एडिटिंग पर हम क्लिक करते हैं, जैसे कि हम पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है। और जैसे कि हमारा हिटफिल्म एक्सप्रेस है वो ओपन हो चुका है, यहाँ पर हम हमारी जो फाइल है इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो मीडियम चलते हैं, तो हमारी दो फाइल है हम इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली फाइल है जो कंप्यूटर की है, यानी कि यहाँ पर स्टूडियो है यार, इसमें ऐड करना है कंप्यूटर स्क्रीन में ये वाला वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे एंड मेक कंप्यूटर शॉर्ट पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर मैं इसको, ये 20 सेकेंड का है, मैं इसको 10 सेकेंड का कर देता हूँ ताकि थ्रो कर देता हूँ छोटा एंड ओके। तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट है जो बन जाता है। और यहाँ पर आप करना क्या है, यहाँ पर न्यू लेयर आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर देख रहे हो कंट्रोल अल्ट और डी, आप ये क्लिक करके एक पॉइंट क्रिएट कर लीजिए। आपको तीन और पॉइंट क्रिएट करने हैं तो कंट्रोल अल्ट और डी। तो यहाँ पर मैं 4 कर चुका हूँ, तो 4 पॉइंट हो चुके हैं। आपको इनको रीनेम करना है तो मैं यहाँ रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं टी और एल दे देता हूँ टॉप लेफ्ट एंड ये कर देता हूँ मैं टॉप राइट और इसको बॉटम लेफ्ट बी एल एंड इसको कर देता हूँ मैं बी आर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम कर चुके हैं एंड इसके बाद आपका जो वीडियो है उसको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर मैं ऊपर सबसे ऊपर डाल देता हूँ और इसके बाद आपको इफेक्ट्स में चलना है एंड यहाँ पर लिखना है क्वाड। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वाड वायर, इसको आपको यहाँ पर सीधा अपने ये वीडियो पर क्लिक करना है, इस वीडियो पर छोड़ देना है एंड छोड़ने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर आ चुका है टॉप लेफ्ट, तो टॉप लेफ्ट को मैं टॉप लेफ्ट से मिला देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल जेड और कंट्रोल जेड। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर टॉप लेफ्ट है, तो आप यहाँ पर कर्सर देख रहे हो, टॉप लेफ्ट को टॉप लेफ्ट के साथ आपको मिलाना है ऐसे। और आप इसके लिए जूम भी कर सकते हो इसको, तो यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ ताकि ये और भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं जूम करके और जूम कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसको इसके साथ मिला देता हूँ। तो ऐसे मैं तीनों को और मिला देता हूँ और तीनों को मिलाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं तीनों को मिला देता हूँ जिनको यहाँ पर सेट कर चुका हूँ, आपको भी ऐसे ही सेट करना है अपने जो भी है उसको। और यहाँ पर आपका अपना जो वीडियो था इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जिसको आपको स्क्रीन में सेट करना है उसको आपको यहाँ पर डालना है, इफेक्ट्स में चलना है और क्वाड वेब को यहाँ पर लिखना है और अपने जो वीडियो है उसी पर यहाँ पर ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद इसको यहाँ पर इफेक्ट्स को खोलना है, टॉप लेफ्ट को टॉप लेफ्ट के साथ, यानी टॉप लेफ्ट को टॉप लेफ्ट के साथ। और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, टॉप राइट को यहाँ पर टॉप राइट को टॉप राइट के साथ और यहाँ पर मैं इन सबको मिला देता हूँ। तो यहाँ पर मैं मिला चुका हूँ एंड इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं सभी को मिला चुका हूँ एंड मिलाने के बाद आप इसको जूम कर और भी एडिट कर सकते हो, जैसा कि मेरा सही नहीं आया, यानी कि इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ ओके।
इसको भी यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ओके फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो वीडियो रेडी हो चुका है इन सभी को सिलेक्ट करना है, एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कंट्रोल एम से आप कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट क्रिएट कर लेता हूँ, तो इनका बन चुका है एक कंपोजिट शॉर्ट, एंड यहाँ पर चलते हैं हम मीडिया में और यहाँ पर एडिटर में चलते हैं और यहाँ पर इस शॉर्ट को डाल देते हैं, तो यहाँ पर मैं डाल चुका हूँ, एंड डालने के बाद इसको मैं सिंपली इनके साथ मिला देता हूँ, तो यहाँ पर हो चुका है हमारा, एंड इसको अब मैं कर लेता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट। आपके साथ अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक्सपोर्ट का बटन, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ओके गो टू एक्सपोर्ट, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली स्टार्ट एक्सपोर्टिंग पर क्लिक करना है और आपका वीडियो है जो इसको एक्सपोर्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, इसमें समय लगेगा इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को रोक रहा हूँ, और आपको अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैंने कोशिश की है जहाँ तक हो सके मैंने इस वीडियो को छोटा रखा है ताकि आप बोर ना हो।